माननीय प्रकाश जी से। तो आज दिल्ली चुनाव के उम्मीदवारों की सूची जारी होने वाली है। मेरा सादर अनुरोध है दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। दोस्तों नमस्कार। कल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सड़क परिवहन मंत्री एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे। केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिन प्रत्याशियों पर उम्मीदवारों पर अपनी मुहर लगा दी है वो आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस समय हम 57 उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रहे हैं। 70 में 57 उम्मीदवारों की घोषणा अभी करने जा रहे हैं और जिसमें 11 एससी समाज से लोग हैं और आज घोषित होने वालों में 4 महिलाएं हैं। और अब मैं आपके सामने इसको पढ़ देता हूं। नरेला एक नंबर जिसका है विधानसभा का, वहां से हमारे उम्मीदवार हैं श्री नील दमन खत्री। विधानसभा नंबर 3 तिमारपुर, यहां से श्री सुरेंद्र सिंह बिट्टू। विधानसभा नंबर 4 आदर्श नगर से श्री राजकुमार भाटिया। विधानसभा नंबर 5 बादली, यहां से हमारे उम्मीदवार होंगे श्री विजय भगत। नंबर 6 रिठाला, रिठाला से हमारे उम्मीदवार होंगे श्री मनीष चौधरी। नंबर 7 बवाना, ये एससी सीट है, यहां से हमारे उम्मीदवार होंगे श्री रविंद्र कुमार इंद्राज, रविंद्र कुमार इंद्राज। नंबर 8 मुंडका, मुंडका से हमारे उम्मीदवार होंगे मास्टर आजाद सिंह। नंबर 9 किराड़ी, किराड़ी से हमारे उम्मीदवार होंगे श्री अनिल झा। विधानसभा नंबर 10 सुल्तानपुर माजरा, ये भी एससी सीट है, यहां से हमारे उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं श्री रामचंद्र छावरिया। नंबर 12 मंगोलपुरी, ये भी एससी सीट है, यहां से हमारे उम्मीदवार हैं श्री करम सिंह कर्मा जी, करम सिंह कर्मा। नंबर 13 रोहिणी, यहां से हमारे उम्मीदवार हैं श्री विजेंद्र गुप्ता। नंबर 14 शालीमार बाग, यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रीमती रेखा गुप्ता। नंबर 15 सकूर बस्ती, यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं डॉक्टर एससी वत्स। नंबर 16 त्रिनगर, यहां से
उम्मीदवार हैं श्री तिलक राम गुप्ता, नंबर 17 वजीरपुर विधानसभा, यहां से हमारे उम्मीदवार हैं डॉक्टर महेंद्र नागपाल, पंजाबी कम्युनिटी से हैं। 18 मॉडल टाउन, से उम्मीदवार हैं श्री कपिल मिश्रा। 19 नंबर सदर बाजार, से श्री जय प्रकाश। विधानसभा नंबर 20, हाँ जेपी, श्री जय प्रकाश जेपी। विधानसभा नंबर 20 चांदनी चौक, यहां से हमारे उम्मीदवार हैं श्री सुमन कुमार गुप्ता। नंबर 21 मटिया महल, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री रविंद्र गुप्ता, जो प्रदेश में महामंत्री हैं, पूर्व महापौर भी हैं। नंबर 22 बल्ली मारान, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्रीमती लता सोढ़ी। नंबर 23 करोल बाग, ये एससी सीट है, श्री योगेंद्र चांदोलिया। नंबर 24 विधानसभा नंबर 24 पटेल नगर, ये भी एससी सीट है, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री प्रवेश रतन जी, नंबर 25 मोती नगर, से बीजेपी के उम्मीदवार श्री सुभाष सचदेवा। नंबर 26 मादीपुर, ये भी शेड्यूल का सीट है, और यहां से उम्मीदवार हैं श्री कैलाश सांखला। 29 तिलक नगर, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री राजीव बब्बर। नंबर 30 जनकपुरी, बीजेपी उम्मीदवार हैं यहां से श्री आशीष सूद। 31 विकासपुरी, से हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री संजय सिंह। 32 उत्तम नगर, से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री कृष्ण गहलोत। नंबर 33 द्वारका, से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री प्रद्युम्न राजपूत। 34 मटियाला, से बीजेपी उम्मीदवार श्री राजेश गहलोत। नंबर 35 नजफगढ़, बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री अजीत खरखड़ी। 36 ब्रिजवासन, से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री सतप्रकाश राणा। 37 विधानसभा पालम, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री विजय पंडित। 39 राजेंद्र नगर, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं सरदार आरपी सिंह। 41 जंगपुरा, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं सरदार इमप्रीत सिंह बख्शी।
इमप्रीत सिंह बक्सी, 43 मालवीय नगर, मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री शैलेंद्र सिंह मोंटी, 44 आरके पुरम से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री अनिल शर्मा, 46 विधानसभा नंबर छतरपुर से बीजेपी उम्मीदवार घोषित हुए श्री ब्रह्म सिंह तंवर, 47 देवली, ये एससी सीट है और यहां से उम्मीदवार हैं श्री अरविंद कुमार, 48 अंबेडकर नगर, यहां ये भी एससी सीट है, यहां से उम्मीदवार हैं श्री खुशी राम, ये भी पहले मेयर रह चुके हैं, 50 ग्रेटर कैलाश से हमारी उम्मीदवार हैं श्रीमती शिखा राय, 52 ये मैं नंबर जो बोल रहा हूं सब विधानसभाओं का नंबर है, 52 तुगलकाबाद, और यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी के श्री विक्रम विधोड़ी, ये हमारे सांसद रमेश विधोड़ी जी के भतीजे हैं, 53 बदरपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री रामवीर सिंह विधोड़ी, 54 ओखला से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री ब्रह्म सिंह, नंबर 55 त्रिलोकपुरी, ये त्रिलोकपुरी एससी सीट है, यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी की श्रीमती किरण वैद, 56 कोंडली विधानसभा, ये भी एससी सीट है रिजर्व, यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी के श्री राजकुमार ढिल्लो, 57 पटपड़गंज श्री रवि नेगी, 58 लक्ष्मी नगर श्री अभय कुमार वर्मा, 59 विश्वास नगर, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री ओपी शर्मा, 61 गांधीनगर, यहां से गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री अनिल वाजपेयी, 64 रोहतास नगर, यहां से बीजेपी कैंडिडेट हैं श्री जितेंद्र महाजन, 65 सीलमपुर, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री कौशल मिश्रा, 66 गोंडा विधानसभा, बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री अजय महावर, 67 बाबरपुर, यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं श्री नरेश गौड़, 68 गोकुलपुर एससी सीट है, यहां से हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री रणजीत कश्यप,
69 मुस्तफाबाद। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री जगदीश प्रधान। नंबर 70 करावल नगर विधानसभा, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री मोहन सिंह बिष्ट। ये हमारे 57 उम्मीदवार आज घोषित किए जा रहे हैं और जो बाकी सीटें हैं वो भी हम जल्दी ही घोषित करेंगे। और पूर्ण विश्वास के साथ ये विजेताओं की टीम है और हम पूर्ण बहुमत से 2020 का विधानसभा जीतने की तरफ अग्रसर हैं। हम बहुत पॉजिटिव एजेंडा पे आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को दिल्ली के हर घर तक पहुंचाकर हम अपना परिचय देंगे। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस पॉजिटिविटी के रास्ते पे और हमारे अन्य उम्मीदवार बहुत जल्दी आप सबको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद। जो सीट नहीं घोषित हुई है, मैंने कहा हम अन्य उम्मीदवारों का 13 सीट जो नहीं घोषित कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आपको दे देंगे।